Good evening and praise the Lord, dear brothers and sisters who are attending this Bible study hour of LifeSpring Assembly. और आज की शाम मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं उन सभी भाइयों और बहनों का जो इस बाइबल अध्ययन का भाग बने हैं और खास रीति से LifeSpring Assembly कलीसिया के सदस्यों का। Please keep remembering that every Wednesday at 7 o'clock we have these studies and now we are studying 1 Corinthians. और कृपया करके ध्यान रखिए कि हर बुधवार शाम 7 बजे से हम इस बाइबल अध्ययन को करते हैं और आज के दिन हम इस बाइबल अध्ययन को शुरू करेंगे। Sorry, there was a 1 week gap. और हमें क्षमा करिएगा कि एक हफ्ते के अंतराल के पश्चात यानी बीच में हम एक हफ्ते में से नहीं कर पाए। I think our last lesson was from 1 Corinthians chapter 10 verses 11 to 13. और मुझे पता है हमारी पिछला अध्ययन जहां हमने रोका था, जहां तक हमने समाप्त किया था, वो था पहला कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय 11वें वचन से लेकर 13वें वचन तक। Apostle Paul has been dealing with the temptation and to sin and how to deal with it. और जहां पर पौलुस प्रेरित बात करता है समस्या की, कैसे पाप से परीक्षाएं आती हैं और कैसे हम उन परीक्षाओं का सामना करें। One encouraging thing about the temptation that we face, it says in verse 13 that there is a way to escape temptation. और एक अद्भुत बात या एक रोमांचक बात परीक्षाओं के विषय में ये है जो कि 13वें वचन में लिखी है कि वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा। And the way is provided by God himself. और वो तरीका उस परीक्षाओं से बचने का ये है कि वो तरीका खुद परमेश्वर ने हमारे लिए मुहैया कराया। Verse 13 of chapter 10 is one of the most helpful verses in the Bible. और इसलिए पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसके 13वां वचन बाइबल में सबसे सहायक वचनों में से एक है। See, all must understand trial or temptation in itself is not sin. और इसलिए याद रखिए कि परीक्षा या जो चुनौतियां सामने आती हैं, लालसाएं सामने आती हैं, वो अपने आप में पाप नहीं है। God allows these things to happen in order to purify us. परमेश्वर इन बातों को होने की अनुमति देता है कि वो हमें शुद्ध ठहराए। But if we are not alert and watchful, लेकिन अगर हम सावधान ना बने रहें, the devil can use it to entice us into sin. तब ये शैतान इन परीक्षाओं का, इन लालसाओं का प्रयोग करकर हमें पाप में गिरा सकता है। And so we concluded in our study last time we did. और इसलिए पिछले हमारे अध्ययन में हमने ये कहते हुए समाप्त किया था। By looking into three things that are needed to escape temptation. इन तीन बातों को देखते हुए जिनकी आवश्यकता है, जिनसे हम, जिन तीन बातों के द्वारा हम परीक्षाओं से बचकर निकल सकते हैं। Number one. पहली बात, All temptations are common to man. कि हर एक परीक्षा मानव के लिए, मनुष्य के लिए साधारण है। Number two. दूसरी बात, God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। God knows what we can bear. तो परमेश्वर जानता है कि हम कितना सह सकते हैं। And what we can wear and how much we can bear. कि क्या हम सह सकते हैं और कितना हम सह सकते हैं। And thirdly, और तीसरी बात, and along with the temptation, God provides a way to escape. और इन परीक्षाओं के समय में परमेश्वर एक मार्ग को भी हमारे लिए मुहैया कराता है कि हम इससे बचने। God always make a way of to escape. परमेश्वर हमेशा एक मार्ग को तैयार करता है इन परीक्षाओं से बचने। And I have mentioned a few scripture verses. I hope you have read these verses. और मैंने कई सारे वचनों को आपको बताया था। मुझे पूरी आशा है कि इन वचनों को आपने पढ़ा है। And today we shall look into the next section. और आज की शाम को हम इस अध्ययन के अगले भाग में बढ़ेंगे, which is verse 14, और जो कि है 14वां वचन, 1 Corinthians chapter 10 verse 14, और पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 14वां वचन। Let us look into this verse. आइए हम इस वचन की ओर देखेंगे। Therefore, my beloved, flee from idolatry. हे इस कारण, हे मेरे प्रियों, मूर्तियों से, मूर्ति पूजा से बचे रहो। Now this verse is a link between what precede and what follows. और ये वचन एक जुड़ाव है उन वचनों के बीच में कि इसके पहले जो वचन था और इसके बाद जो वचन आएगा, उन दोनों वचनों के बीच में एक जोड़, एक रिश्ते को स्थापित करता है। My dearly beloved,
जहां पर वो कहता है हे मेरे प्रियो। That expression shows Paul's deep concern for his readers। और ये बात दिखाती है कि ये कहना पौलुस का दिखाता है कि कितनी ज्यादा चिंता उसे अपने लोगों के लिए। And he was also concerned about the problems discussed in this passage। बहुत ही चिंता करता था उन सारी समस्याओं के विषय में जिन समस्याओं का वर्णन उसने इस पत्री में किया। And as he had counseled regarding fornication। और जैसे उसने उस नैतिकता वे विचार के पाप के प्रति चेतावनी दी थी इन चैप्टर 6 वर्स 18 और जहां पर छठा अध्याय 18वें वचन में ही नाउ काउंसल्स रिगार्डिंग आइडोलट्री। अब वो परामर्श देना चाहता है मूर्ति पूजा के विषय में। फ्ली फ्रॉम आइडोलट्री कि मूर्ति पूजा से भागो। एंड दैट मींस रन फ्रॉम इसका मतलब है मूर्ति पूजा से दूर भाग जाओ। एंड दैट इज द एडमोनिशन पॉल इज गिविंग और यहां पर ये सराहना या ये घोषणा पॉलुस देता है। द बिलीवर्स आर नॉट टू टेक द मैटर व्हिच इन दिस केस आइडोलट्री वेरी कैजुअली एंड लिंगर ऑन नियर बाय। और इसलिए विश्वासियों को मूर्ति पूजा का जो ये काम है इसे बड़ी हल्की रीति से लेकर इसे चिपके रहना नहीं है। They must fly from its presence. लेकिन उन्हें तो इस मूर्ति पूजा से दूर भाग जाना है। They are not to see how far they can go. उन्हें ये नहीं देखना है कि वो कितनी दूर जा सकते हैं। They are not to see how far they can go with sin. और उन्हें ये नहीं देखना है कि कितना दूर वो पाप के संग जा सकते हैं। But on the other hand, लेकिन दूसरे हाथ पर, they must consider that they have nothing to do with anything sinful. उन्हें ये सोचना है और ऐसा करना है कि उनका पाप से कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं। And what is sinful in the sight of God? और जो बात, कौन सी बातें परमेश्वर की नजरों में पाप है? There may be certain things that we may not immediately see that there is anything wrong. और ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको हम तुरंत देखकर ये ना कहें कि वो पाप हैं। But if something leads us to committing sin, we must be able to discern those things and flee from them. लेकिन अगर ऐसी कुछ बातें आती हैं जो हमें पाप की ओर बढ़ाएं या ले जाएं या खींचे तो हमें उन बातों से दूर भाग जाना है। It is true God has promised help in our needs. और ये भी सत्य है कि परमेश्वर ने हमारी आवश्यकताओं में सहायता का वादा किया है। And in times of temptation. और परीक्षाओं के समय में सहायता का वादा किया है। That doesn't mean you have a license to play with sin. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास लाइसेंस है पाप के संग खेलने। And don't spend time and play with sin which will endanger your spiritual life. और इसलिए पाप के साथ खेलकर ऐसी बातों में ना लगे जो आपके जीवन को खतरे में लाएं। And therefore this admonition to flee away fast from the very presence of sin. और इसलिए यहाँ पर ये चेतावनी पौलुस देता है कि पाप की उपस्थिति से भी तुम दूर भाग जाओ। And so this section of our study covers from verse 14 to chapter 11 verse 1. और इसलिए हमारे अध्ययन का ये पूरा भाग पहला कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय 14वें वचन से लेकर पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय पहले वचन तक होगा। Now that is a lengthy passage. और ये एक बहुत बड़ा भाग है। And therefore we do not take time to read, but I encourage you to read it after this study. क्योंकि ये एक लंबा वचन का भाग है, इसको समय हम इसमें पढ़ने में नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने-अपने घरों में जरूर वचन के इस भाग को पढ़िए। So let us get into what it says. और आइए हम इस वचन की ओर बढ़े और देखें ये क्या कहता है। How far a Christian believer can go in participating in the activities of the world. और कितना दूर तक एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का सांसारिक गतिविधियों, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए especially in social functions. खास रीति से जो सामाजिक गतिविधियां हैं, रीति रिवाज या त्योहार हैं। This question is a constant problem that nags both believers
and unbelievers. और ये सवाल एक निरंतर की समस्या है जो हमेशा विश्वासियों और यहाँ तक कि गैर विश्वासी भी पूछते हैं. And Christian liberty and license. और मसीही आजादी और मसीही कार्य करने का अधिकार. What a believer is free to do and what he is not free to do. कि एक विश्वासी क्या करने के लिए आजाद है और क्या नहीं करने के लिए आजाद. This is the topic of this particular passage. और इस वचन अध्याय का यही एक शीर्षक है. Therefore, और इसलिए this study is going to be very very helpful to many of us who are constantly dealing with the people who get confused about how far they can go in these social activities. ये अध्ययन हम सब के लिए बहुत सहायक होगा, खास रीति से उनके लिए जो लोगों के संग जुड़े रहते हैं, उनकी सहायता करते हैं. There are four points to consider. चार ऐसी बातें हैं जिन्हें हम देखेंगे. In this entire passage. इस पूरे वचन के अध्याय में. I will just mention it here. और यहाँ पर मैं सिर्फ इन बातों को बताऊंगा. And then one by one we will consider. और उसके बाद एक-एक कर-कर हम इनका आगे बढ़ेंगे. Flee idolatry, verse 14. चौदहवें वचन में लिखा है मूर्ति पूजा से बचे रहो. Secondly, judge whether our participation in a function identifies who we worship. और दूसरी बात, इस बात को देखो कि किसी सामाजिक गतिविधि या त्योहार में भाग लेना आपकी गवाही को कैसे दिखाता है. Verses 15 to 22. पंद्रहवें वचन से लेकर 22वें वचन तक. That is chapter 10. और दसवां अध्याय. And then thirdly, judge whether lawful acts are always permissible. और जांचिए और देखिए कि कानूनी या व्यवस्था के अनुसार हर समय क्या कार्य करने का अनुमति है. Verses 23 to 28. 23वें वचन से लेकर 28वें वचन. And fourthly, और चौथी बात, judge whether our behavior and freedom should be determined by another person's conscience. इस बात को जांचिए और देखिए कि हमारा आजादी और हमारा विवेक क्या दूसरे के विवेक के अनुसार चलना चाहिए या उसका न्याय होना चाहिए. So chapter verse chapter 10 of 1 Corinthians verse 29 to chapter 11 verse 1. और इसके लिए पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 29वें वचन से लेकर 11वें अध्याय के पहले वचन तक. So these are the four points we need to consider under this. और ये वो चार बातें हैं जिसे हम वचन के अध्याय के इस वचन के भाग में हम देखेंगे. So let us consider the first point. और इसलिए हम पहले बात को देखें. And I think that's all we will do today. और आज के दिन हम सिर्फ यही पहले भाग को देखेंगे. What is the first point? पहली बात क्या है? Flee idolatry, verse 14. चौदहवें वचन में लिखा है मूर्ति पूजा से बचे रहो. The admonition is run away. और यहाँ पर चेतावनी ये है कि इस मूर्ति पूजा से भागो. Run away from this and that is भाग जाओ. And that is there is a real reason why this charge is given. और यहाँ पर एक वास्तविक कारण है कि क्यों ये जिम्मेदारी ये घोषणा आपको दी गई है. Most people are worshipping some god or other than the Lord God himself. लगभग सारे ही लोग किसी दूसरे देवी देवता या ईश्वरों की आराधना कर रहे हैं हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान को छोड़ के. Now idolatry means, और मूर्ति पूजा का मतलब ये है, the worship of any false god, कि किसी भी झूठे देवी देवता की आराधना करना. And also the failure of not having a right relationship with the Lord God Almighty of heaven. और साथ ही साथ आप असफल हो जाते हैं उस सर्वशक्तिमान के साथ एक सही रिश्ता बनाने में. Almost everything upon earth can become an idol. और पृथ्वी पर लगभग हर एक बात एक मूर्ति बन सकती है. And consumes the heart and passion of a man. और मनुष्य के जनून को उसकी भक्ति को ले सकती है. And some people are victims of the love for food. और कई लोग जो है खाने से प्यार करते हैं. Or some clothes. या कपड़ों से प्यार करते हैं. They are very passionate about a car.
और या एक गाड़ी चार पहिए के लिए उनके अंदर एक बहुत जुनून है. सो एनीथिंग कैन बिकम एन आइडल. तो इसलिए याद रखिए, कोई भी बात आपके जीवन में एक मूर्ति बन सकती है. एंड एन आइडल कैन कंस्यूम द हार्ट एंड द पैशन ऑफ अ पर्सन. और याद रखिए, एक मूर्ति एक मनुष्य के हृदय और उसके जुनून को कब्जे में ले सकती है. एंड सो व्हाट इज एन आइडल? और इसलिए एक मूर्ति है क्या? एन आइडल इज दैट टू व्हिच अ पर्सन गिव्स हिमसेल्फ एंड कंज्यूम्स द पर्सन्स माइंड हार्ट सोल एंड बॉडी. और एक मूर्ति ऐसी बात है या एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए एक व्यक्ति खुद को देता है और वो मूर्ति उस व्यक्ति का हृदय, उसका मन, उसका तन, हर एक बात को अपने कब्जे में लेती है. एंड व्हाटएवर कॉज यू टू एक्सपीरियंस दिस, और कोई भी बात या कैसी ऐसी कोई भी बात जिसने आपको ऐसा अनुभव करने के लिए दिया, दैट बिकम्स एन आइडल टू यू. वो आपके लिए एक मूर्ति बन जाएगा. लाइक सेल्फ, जैसे एक मोबाइल फोन. और सेक्स, नॉट मोबाइल फोन, सेल्फ. और या जैसे स्वयं, आप स्वयं के लिए आप खुद को एक मूर्ति बना सकते हैं. और सेक्स, या यौन संबंध. और योर बिजनेस, या आपका व्यवसाय. और योर रिलीजन, या आपका धर्म. और पोजीशन, या आपके पास जो संपत्ति है. और योर फैमिली, या आपका परिवार. एंड सम आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट द नॉलेज. और कई लोग बड़ा अपने ज्ञान के विषय में जुनून रखते हैं. और स्पोर्ट, या हो सकता है खेल के विषय में. येट अदर्स विल हैव एन एक्चुअल आइडल बिफोर देम. जबकि दूसरे हाथ पे कुछ लोगों के पास सच में एक सामने मूर्ति होती है, और पिक्चर ऑफ और एन इमेज व्हिच दे हैव मेड और परचेस्ड, या एक ऐसा दृश्य या एक ऐसी मूर्ति जिसको वो बनाते हैं या कहीं से खरीद के लाते हैं. सो इन दिस केस मोस्ट मेन आर आइडोलेटर्स. और इसलिए इस कारण या इस परिस्थिति में लगभग बहुत से ही मनुष्य या मानव मूर्ति पूजक हैं. दे आर कंज्यूम्ड by something other than God himself. वो परमेश्वर को छोड़ दूसरी बातों से भरे हुए हैं. They reject the only true God, Jehovah. और वो एकमात्र सच्चे परमेश्वर यहोवा का विरोध करते हैं. This God who revealed himself in Jesus Christ. और ये परमेश्वर जिसने खुद को प्रभु यीशु मसीह में प्रकट किया. And revealed himself in the holy scriptures. और जिसने खुद को इस पवित्र वचन में प्रकट किया. And the Corinthian church was confronted with the problem of idolatry in its midst. और ये जो कुरिन्थ की कलीसिया थी, इसके लिए सामने भी ये मूर्ति की पूजा की समस्या थी. And some members were actually attending functions held in temples where idols and images were kept. और कई तो विश्वासी ऐसे थे कि वो मंदिरों के रीति रिवाज और त्योहारों में सहभागिता कर रहे थे जहां पर मूर्तियां रखी गई थी. और या इन होम्स वेयर इमेजेस आर केप्ट इन प्रोमिनेंट प्लेसेस एज सुपरवाइजिंग डीएटी. या ऐसे घरों में सहभागिता कर रहे थे जहां पर मूर्तियों को रखा गया था मुख्य स्थानों पर, जहां पर वो ये दर्शाते थे कि ये मूर्तियां घर का मार्गदर्शन करती हैं. Such functions includes marriage. और ऐसे त्योहार या सामाजिक गतिविधियों में बातें थी जैसे शादियां, business affairs, और व्यवसायिक सहभागिता, and even day to day fellowship in the homes of neighbors. दिन प्रतिदिन की जो सहभागिताएं आस पड़ोस या पड़ोसियों के घर में होती थी. The question is, सवाल ये उठता है, were church members right in attending these functions? क्या कलीसिया के लोग इन रीति रिवाजों या त्योहारों में सहभागिता करने के द्वारा सही थे? और या were they loose with their Christian liberty? कि क्या वो अपनी मसीही आजादी को बड़ी हल्की रीति से ले रहे थे? What was to be the church's attitude and position? कलीसिया का स्वभाव और स्थान इस बात को लेकर क्या होना था? Though Paul discussed this matter at length, और जबकि पौलुस ने इस विषय में एक लंबी रीति से बात किया, the matter was of such importance that it needed to be reinforced. लेकिन ये बात या ये विषय ऐसा महत्वपूर्ण और जरूरी था कि इसे दोबारा इस पर पौलुस ने जोर लगाया. Paul wanted to make sure that the matter was unmistakable.
impeccably answered. और पौलुस इस बात को सुनिश्चित करना चाहता था कि ये विषय बिना किसी गलत फहमी के या गलती के लोगों तक समझ में आ जाए। If we are to flee idolatry, और अगर हमें मूर्ति पूजा से भागना है, we flee to where? हम कहां भागें? The answer is simple, to God himself. और आंसर इसका उत्तर बड़ा साधारण सा है, हम भागेंगे परमेश्वर की ओर। And the only way to escape idolatry was to stay near to God. और एक ही तरीका जिसके द्वारा हम मूर्ति पूजा से बचे रह सकते हैं वो है परमेश्वर के निकट बने रहना। Now the question is, how do you stay near to God? अब सवाल ये उठता है, आप परमेश्वर के निकट कैसे बने रहते हैं? Through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। Read the word of God. और आप इस वचन को पढ़िए। Meditate on God's word. इस वचन पर मनन करिए। And then through prayer and worship. और प्रार्थना आराधना के द्वारा and giving importance to fellowship with the fellow Christians और सहभागिता अपने दूसरे मसीह भाई बहन उनके संग सहभागिता को आप महत्व दें that is why the church fellowships are very very important और इसी कारणवश कलीसियाओं की सहभागिता बहुत बहुत महत्वपूर्ण a true Christian must see to it that you never miss such opportunities to come together in fellowship and in prayer, Bible study, discussion or anything. और एक सच्चे मसीह की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी प्रार्थना को किसी भी सहभागिता को किसी भी प्रार्थना की सभा में आने से ना चूके and even at home और यहां तक कि घर में make sure the bible occupies the most prominent place होने दें आप इस बात को सुनिश्चित करें कि बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन आपके घरों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्थान ले our hearts are either consumed by God हमारे हृदय या तो परमेश्वर से भरे हुए हैं or by someone else or something else या किसी और व्यक्ति से के द्वारा या किसी और बातों के द्वारा either God or other person or thing या तो परमेश्वर या कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी बातें and the exhortation is flee from idolatry और यहां पर जो परामर्श दिया गया है चेतावनी दी गई है वो ये है कि मूर्ति पूजा से We stop here our study for this evening. और इसलिए आज की शाम हम अपने अध्ययन को यहां रोकेंगे। But do not consider this as another just a study and then forget about it. लेकिन इसे एक दूसरे अध्ययन के समान समझकर आप इसे यहां रुक ना जाएं। This is very very important. क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। And we need to keep our standard and our status as true worshippers of a true God, a living God, who lives and who reigns our lives and our affairs. और हमें अपने जीवनों को और जीवन के स्तर को एक ऐसे परमेश्वर के लिए बना के रखना है जो कि पवित्र है, जीता है और हमारे लिए अनंत जीवन को रखा है। So, we will continue this same study next. हम इस अध्ययन को जारी रखेंगे अगले बुधवार को। So make sure that you don't miss it. और इसलिए सुनिश्चित करें कि अगले बुधवार के अध्ययन को भी आप ना चूके। This is important for you to listen and understand because you yourself may be confronted with questions like. और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप सीखें और जानें क्योंकि आप खुद सवालों का सामना करते हैं। And so we will consider in detail. और इसलिए और आगे बढ़ते हुए हम इसे और गहरे रूप से समझेंगे। And until we meet again next Wednesday evening. और आगे जब तक अगले बुधवार तक हम अगले बुधवार की शाम तक नहीं मिलते। Ponder on these things that you heard today tonight. आप सोचिए इन बातों के विषय में जो आज की शाम आपने सुनी। And let us come prepared. और आइए हम तैयारी के संग अगले बाइबल अध्ययन में आएं। And I encourage you next Wednesday when you come, before you come, make sure that you read from 1 Corinthians chapter 10 verse 14 to chapter 11 verse 1. मैं सबको प्रोत्साहित करना चाहूँगा अगले बुधवार को जब आप आएं तो पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 14वें वचन से लेकर 11वें अध्याय के पहले वचन तक जरूर पढ़िए। Let us honor our God. आइए हम अपने परमेश्वर का आदर करें। Who is the God of all? जो सब का परमेश्वर है। He is the God of all nations. वो सारे राज्यों का, सारे देशों का, प्रजाओं का। He is God of all humanity. वो पूरी मानवता का परमेश्वर है। And God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। He is worthy. वो योग्य है। And let us worship him. और उसकी आराधना हम करें। Amen. Amen. Lord, we thank you for today's study. हम परमेश्वर आज के अध्ययन के लिए हम आपका एंड व्हाटएवर इंट्रोडक्टरी
points we have considered, may it abide in us. होने दे पिता आज की शाम जो भी शीर्षक के रूप में विषय पर हमने अध्ययन किया है वो हमारे हृदयों में रहे. As we continue our studies, और जैसे हम अपने अध्ययन को जारी रखते हैं, Lord, we need the Holy Spirit. परमेश्वर हमें तेरा पवित्र आत्मा का आवश्यकता. He alone can illuminate us and strengthen our hearing. क्योंकि तेरा पवित्र आत्मा ही हमें प्रकाशित कर सकता है और हमें बता सकता है. Thank you. धन्यवाद. In Jesus' name. यीशु के नाम. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. And God's presence be with you and good night. और आप सबको शुभ रात्रि और परमेश्वर की उपस्थिति आप सबके संग रहे. Amen.